ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। नाम है इसका फ्राइड डेबलियस एग। तो आज मैं ये आपको बना के दिखाने वाला हूं। अगर आपने सीखना है इतनी प्यारी रेसिपी मैंने कैसे बनाई, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपने करना क्या है, अंडे उबाल लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अंडों को धो के रखा है और यहां पर पानी भी चढ़ा दिया है। तो आपने क्या करना है, यहां से एक एक करके अंडा उठाना है और इस पानी में डाल देना है। पानी गरम कर लें पहले, उसके बाद डालें। उससे क्या होता है, अंडे अच्छी तरीके से छिल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने पानी गरम कर लिया है, उसके बाद मैं डाला हूं। और मैं कितने अंडों का बनाने वाला हूं, तो मैं 10 अंडे उबालूंगा। ये देखिए अंडे मैंने डाल दिए। अब आपने क्या डालना है इसमें, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून विनेगर। ये जरूर डालें, इनसे भी अंडे फटाफट छिल जाते हैं। अब आपने स्लो गैस में इसको उबालना है कम से कम 15 मिनट। मतलब शुरू में गैस स्लो रखें, अगर शुरू में आप गैस फास्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपके अंडे टूट जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अंडे बहुत ही अच्छी तरीके से उबल चुके हैं, देख रहे हैं ना आप, क्योंकि मैंने इनको ना आराम से उबाला है 15 मिनट। तो आप भी कम से कम 15 मिनट उबालें, क्योंकि कड़क उबलना चाहिए। अब आपने क्या करना है, जब आपके अंडे उबल जाएंगे तब एक बोल में आपने बर्फ और पानी मिक्स करके डालना है, देखिए इस तरीके से। और अंडे को यहां से ऐसे उठाना है, देखिए इस तरीके से, और इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके अंडे फटाफट ठंडे हो जाएंगे और आप आसानी से छील सकेंगे। ये देखिए ऐसे डाल दें, ऐसा ही आपने करना है जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो ये देखिए अंडे फटाफट ठंडे हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे एक अंडा उठाना है और ऐसे थोड़ा दबाना है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद ये छील लेना है, देखिए कितना आसान है। ये है ठंडा करने का फायदा, बर्फ में ठंडा करने का। तो आप भी ऐसा ही करें जैसा कि मैंने किया है, देखिए अच्छे से आपके अंडे छिल जाएंगे। आप देखते हैं कई बार अंडे छिलते नहीं है, तो आप ये तरीका अपनाएंगे तो अंडे ऐसे ही छिलेंगे जैसे ये देखिए हमारे अंडे छिले। ये देखिए मैंने सभी अंडे छील लिए हैं। तो आपने क्या करना है, अंडे छीलने के बाद चाकू को गीला करना है, गीला करके और एग को बीच में से काट लेना है, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे चाकू गीला होना चाहिए। ऐसे काटने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो ये एग योग है इसको निकाल लेना है इस तरीके से, देख रहे हैं ना आप, और इसको फेंकना नहीं है। सभी को एक बॉल में रख लें। सभी अंडे ऐसे काटने के बाद और इनका एग योग निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक बॉल लेना है, बॉल के अंदर आपने तोल लेने अंडे दो। इसमें डालना है 1 पिंच नमक और ऐसे फेंट लेना। ये देखिए अच्छी तरीके से फेंटना, जैसे कि मैं फेंट रहा हूं इस तरीके से, ऐसे। उसके बाद आपने एक बॉल में लेना है मैदा और एक बॉल में लेना है आपने ब्रेड क्रम, ये देखिए इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, यहां से एक एग उठाना है, मैदे में डालना है, ये देखिए ऐसे डस्ट करना है आपने, ये देखिए इस तरीके से, देखा ना आपने। उसके बाद ऐसे अंडे को लगाना है इसके ऊपर, ये देखिए कोटिंग बढ़िया तरीके से, देख रहे हैं आप, ऐसे इस तरीके से। उसके बाद फिर क्रम लगाना है आपने सबसे लास्ट में, देखिए ऐसे बस, और कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं करना है। इस तरीके से सभी बना के रख लेना है आपने। अब मैंने सभी बना लिए, तो आपने क्या करना है, ऐसे क्रम लगाने के बाद इसको फ्राई करना है। कैसे दिखाता हूं, फ्राई करने के लिए आपने एक चीज का ध्यान रखना है, तेल साफ चढ़ाना है। ये देखिए ऐसा नया फ्रेश तेल चढ़ाएं और इसको गर्म कर लेना आपने। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपने फ्रेश तेल चढ़ाना है, और दूसरी बात ये तेल गर्म होना चाहिए। देखिए ऐसे आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि अंडे में कुछ कच्चा नहीं है, बस आपने एक बढ़िया बेहतरीन कलर लेना है, देख रहे हैं ना। ऐसे फ्राई करें, कलर एकदम लाल होना चाहिए, लाल मतलब जला ना दे ऐसा, ये देखिए ऐसा सुनहरा कलर लेना आपने, देखे ना कितना बढ़िया हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको निकाल लूंगा, आप भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लें। ये देखिए लाजवाब कलर हो गया है, तो ऐसा कलर जरूरी है। और आपने करना क्या है, निकालने के बाद ना तुरंत इसको उल्टा रख देना है ऐसे, ताकि तेल नचुड़ जाए पूरा। तो उल्टा जरूर रखें,
और इसी तरीके से सब आपने कर लेना है फ्राई। सभी फ्राई करने के बाद जब आप उल्टा कर देंगे उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे उठा के और इस तरीके से एक लाइन में रख लेना है आपने। ये देखिए जैसे कि मैं रख रहा हूँ, और आप इसकी शकल देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया हुई है। मतलब ऐसी ही बढ़िया शकल आपने निकालनी है फ्राई करने के बाद। इस तरीके से ऐसे सब रख लें। उसके बाद आपने एक बॉल लेना है, इसके अंदर डाल देना है एग योक 3 टेबल स्पून, मेयोनीज 2 टेबल स्पून, सार क्रीम। सार क्रीम क्या है आप पूछेंगे, इसको कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले बना के दिखाया है, आपको लिंक मिलेगा ऊपर आई बटन में। 1 टेबल स्पून हॉट चिल्ली पेस्ट, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। उसके बाद क्या करना है आपने, इसको देखिए अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना। वाह क्या मजा आने वाला है, देख लेना आप ऐसे अच्छे से फेंट के मिक्स कर लें। तो देखिए इस तरीके से आपने तैयार कर लेना है ऐसे जैसे कि मैंने किया। ऐसे बनाने के बाद आपने एक पाइपिंग बैग लेना है और इसके अंदर इसको भर लेना है। तो देखिए इस तरीके से फिर ऐसे सभी भर लें एक साथ। अगर आपके पास छोटा पाइपिंग है तो आप कम भी भर सकते हैं, ये है आपकी मर्जी। ये देखिए ऐसे भरने के बाद आपने ये करना है, इसको यहाँ से काट लेना है ऐसे। और ये देखिए ऐसे आपने सब में भर देना है। देख रहे हैं आप क्या चीज बन के तैयार होगी, आएगा ना आपके मुंह में पानी। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये पेपरिका पाउडर छिड़कना है आपने, जैसे कि मैं छिड़क रहा हूं। ये है इसकी गार्निश, और कुछ ज्यादा चीजें डालने की कोशिश ना करें। देखिए अब ये है रेडी और ये है पिकअप। अब अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।